दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सूजी कैसे बनती है और सूजी किस चीज से बनाई जाती है। दोस्तों आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने सूजी से बनी गरम और स्वादिष्ट हलवा ना खाया हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूजी कैसे बनती है या सूजी किस चीज से बनाई जाती है? तो आपको बता दूं कि सूजी को अंग्रेजी में सिमोलिना कहा जाता है और कई लोग इसे रवा के नाम से भी जानते हैं, और यह सूजी हल्के पीले रंग की होती है। तो सूजी बनाने की शुरुआत होती है खेतों में से गेहूँ को हार्वेस्ट करने से, और खेतों में से गेहूं को हार्वेस्ट करने का काम मशीनों द्वारा किया जाता है कुछ इस तरह से। उसके बाद गेहूं को ट्रकों में लोड करके सूजी बनाने वाली मिल में लाया जाता है, और सूजी बनाने के लिए सबसे पहले मिल में मशीन के जरिए गेहूं को धोया जाता है जिससे गेहूं में मौजूद गंदगी साफ हो जाए। उसके बाद गेहूं को अच्छी तरह से सुखाया जाता है, और जब गेहूं सूख जाता है तो उसे सूजी बनाने वाली मशीन में डाल दिया जाता है, और ये मशीन गेहूं की ऊपरी परत यानी छिलके को हटा देती है। गेहूं में मौजूद प्रोटीन और पोषक तत्व इसी ऊपरी परत के साथ अलग हो जाते हैं। ऊपरी परत निकालने के बाद गेहूं का जो भाग बच जाता है उसे मिल में दरदरे तरीके से पीसा जाता है और इसमें से भूसी को निकाल लिया जाता है, और यही बचा हुआ कंद सूजी कहलाता है जिसे कुछ लोग रवा के नाम से भी जानते हैं। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि सूजी भी गेहूं से ही बनती है। तो आपको बता दूं कि मैदा भी गेहूं से ही बनता है, और इसी सूजी बनाने वाली मशीन से ही आटा, सूजी और मैदा तीनों बनाए जाते हैं, अर्थात एक ही मशीन से तीनों चीजों को बनाया जाता है, और वो भी केवल गेहूं से ही। तो इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि सूजी कैसे और किससे बनती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैदा कैसे बनता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी, उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों हमें जानकारी इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगी है, आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।